गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अपन ने कल पढ़ा था कि बहुलक निकालना, आंकड़ों की सहायता से बहुलक कैसे निकालते हैं। अब अपन पढ़ेंगे जब बंटन हमें वर्गीकृत दे रखा हो। तीन कंडीशन होती है आंकड़ों की सहायता से जब बंटन अवर्गीकृत होता है, ठीक है, और तीसरी होती है जब वर्गीकृत होता है। इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं अपन आंकड़े वाले को पार करके। जब बंटन अवर्गीकृत होता है, जब बंटन अवर्गीकृत हो तथा बारंबारता दे रखी हो, तो बारंबारता दे रखी हो, जब बंटन अवर्गीकृत हो तथा बारंबारता दे रखी हो, तो बहुलक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपको परिभाषा लिखाई है वही है सब कुछ। देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे पहला काम तो वही होता है हमारा, क्या क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप प्रदान करते हैं। क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप प्रदान करते हैं, पहला काम। दूसरा काम हमारा रहता है क्या, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही चल हमारा बहुलक होता है। ठीक है भैया, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही चर हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। ये हो गया बहुलक। और क्या है, एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, आप बुक में दिए वो खुद करेंगे। एक्सरसाइज के भी एक क्वेश्चन ले लूंगा मैं इसमें से, आंकड़े वाले आपको ही करने हैं। कोई नहीं आता है तो ग्रुप पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कौन सा नहीं आया। भाई देखिए, जैसे हमें दे दिया कि भैया देखो प्राप्तांक है, या विद्यार्थी ले लो, विद्यार्थी, और यहां पर ऐप दे दिए, ये ऐसे भी दे सकता है हमें, ठीक है, या एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये समझो आपको। ये दिए हुए हमारे लिए 1, 2, 3, 4 और 5, 8, 11, 15, 9 और 10, ठीक है भैया, ये है सबसे अधिक बारंबारता। कौन सी है सबसे अधिक बारंबार, पहले ऊर्ध्वाधर रूप को, क्षैतिज रूप को ऊर्ध्वाधर रूप प्रदान करते हैं एक्स और एफ है। एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 ये है, एफ की वैल्यू 8 है, 11 है, 15 है, 9 और 10 है, ठीक है भैया। इसका मतलब है इसको सारणी को ऐसे बनाएंगे, सभी सारणियों को मैं आपको बताता ही हूं कि आपको ऐसे ही बनानी है, ये है। अब सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये रही सबसे बड़ी, 15 है, 15 के सामने क्या दे रखा है, ये बहुलक है। ये अपन कल्पित माध्य में भी लेते थे ऐसे, लेकिन वही कल्पित माध्य में जो ए लेते थे, जो मैंने आपको बताया था, वही चीज बहुलक होती है। बहुलक की सहायता से निकालते हैं अपन उसको, बहुलक बराबर 3, ठीक है। बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके सामने एक्स, एक्स में से कौन सा मान है, 3 है, तो बहुलक हो गया भैया। यही हमारा आंसर होता है। ऐसे ही आप एक्सरसाइज के जो 17.7 है, 17.7
एक्सरसाइज ये चल रही है 17.7 आंकड़ों वाले को खुद करेंगे, ठीक है भैया, और इनको भी आप खुद ही करेंगे, इनमें कराने की जरूरत नहीं है। आपने एक समझ लिया, सब समझ लिया, समझिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप इसमें से देख लो, जैसे हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, एक आंकड़ों वाला ले लेता हूं भाई, प्रश्नावली में से उदाहरण यदि कोई दे रखा है तो आप देख लेना बुक में। जैसे हमसे ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्नावली का आंकड़े दिए हुए हैं, ये आपको लग रहा होगा कि बारह माता सारणी से नहीं, ये आंकड़े दिए हुए हैं, एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार से दे रखी है, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी उम्र दे रखी है, आयु दे रखी है, ये दे रखी है 15, 16, 13, 14, 14, 13, 15, 14, 13, 13, ये है भैया। फिर उसके नीचे ऐसे दे रखा है 14, 12, 15, 14, 16, 13, 14, 14, 13, 15, ये है, ठीक है। ये दे रखे हमें आंकड़े हैं, ये आपको ऐसे व्यवस्थित कर करके दे रखे, जैसा आपको लग रहा होगा ये क्या है, सारणी है, सारणी नहीं है, ये आंकड़े दिए हुए हैं, कॉमा मैंने लगा के दिखा दिया आपको। अब आपको बताना है, देखो सबसे बहुलक क्या है इसका, बहुलक के लिए सॉल्यूशन के अंदर पहला काम हमारा ये रहता है, वैसे तो हमें पता लग रहा है 14 सबसे ज्यादा आया है, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे इसमें तो क्या है भैया, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है इसमें, कौन सी है, 12, और 12 कितनी बार आई है, एक बार, 13 कितनी बार आई है, 6 बार है, दो और दो चार और दो छह, ठीक है भैया, और उसके बाद है 14, 14 कितनी बार है, 7 बार है, दो चार पांच छह और एक 7, ठीक है भैया, ये हो गई। और अगली है 15, 15 कितनी बार आई है, 15 आई है 4 बार, 4 बार हो गई, ठीक है। अगली है 16, 16 बार कितनी है, 16 कितनी बार आई है, 2 बार, ये है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, अन्नों को भी दिख रहा भैया, ये आया है 14, इसका मतलब है सबसे अधिक बार, अपन ऐसे लिख देंगे, सबसे अधिक बार 14 आया है, अतः बहुलक बराबर 14 आंसर हो गया भैया, ठीक है। ये है आंसर तो हो गया, लेकिन क्या दे रखा है उसमें आंसर में, ये क्या है, आयु है, आयु है, तो इसका मतलब आयु निकाल दीजिए, 20 छात्रों की औसत आयु है, तो वर्ष आ गया, ये 14 वर्ष हो गया बोलो, ठीक है भैया। ये है आगे देखिए, एक क्वेश्चन अवर्गीकृत का, वर्गीकृत का कल कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए, देखिए अवर्गीकृत का उदाहरण ले लीजिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 और वो आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में प्राप्तांक दिए हुए हैं हमारे लिए, प्राप्तांक, और दूसरी साइड में दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, मैंने आपको बताया जो ऊपर रहता है हमेशा x की वैल्यू दर्शाता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो f होता है, इसका मतलब है
एक्स दे रखे हैं हमारे लिए पांचवें क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 ये दिए हुए हैं। एफ की वैल्यू दे रखी है 2, 8, 16, 26 2, 8, 16, 26 ठीक है 20, 16, 7, 14, 4, 20, 16, 7 और 4 ये दी हुई है हमें। अब सारणी को आप ऐसे सभी सारणियों को ही ऐसे बनाएंगे आप पैमाने की सहायता से फुटा स्केल जो भी बोलते हैं आप उसकी सहायता से। इसका मतलब है सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे आप बहुलक निकाल रहे हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है 26 26 के सामने क्या दे रखा है 40 तो देखिए ऐसे लिख देंगे सबसे बड़ी या सबसे बड़ी एफ बराबर 26 के सामने चर बराबर 40 ठीक है भैया 40 अतः बहुलक बराबर हो गया बहुलक बराबर 40 क्या है ये प्राप्त अंक है तो अंक लिख देंगे पीछे ये हो गया भैया ठीक है। ऐसे ही आपको अवर्गीकृत के करने वर्गीकृत का कोई भी नहीं करना ठीक है दैट्स ओके। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें दैट्स ओके।